Hi everyone, welcome to my channel and welcome to another video. So आज का जो video is going to be on an Amazon haul. So Amazon पे चल रहा है उनका Republic Day sale and इस sale के दौरान आपको not only fashion commodities पे आपको और भी सारे you know जैसे electronic gadgets पे, books पे, बहुत सारी चीजों पे like homeware पे बहुत ज्यादा discount मिल जाएगा. So आप इस sale के दौरान जरूर shopping कर सकते हैं. So मैंने भी कुछ चीजें ली है and मैंने जो है maximum festive wear लिया है because अभी शादियों का भी season काफी ज्यादा चल रहा है. तो ये आप जो चीजें हैं फेस्टिव वेयर के हिसाब से पहन सकते हैं, लाइक छोटे मोटे फंक्शंस में पहन सकते हैं एंड पूजा में पहन सकते हैं, अगर कोई इवेंट हो ट्रेडिशनल इवेंट उसके लिए भी आप पहन सकते हैं. सो जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी सबका इंडिविजुअल लिंक भी दे दूंगी एंड एक सिंगल लिंक भी दे दूंगी माई हॉल स्टोर का लिंक, जिससे आप सारा का सारा कलेक्शन जो है चेक कर सकते हैं एंड कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप क्लिक करके परचेज कर सकते हैं. सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो यू शुड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कुड चेक दैट आउट. एंड जो मैंने पहन रखा है ये भी मैंने अमेजोन से लिया था, मैक्स ब्रांड का है. अगर ये मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूट सा वॉर्म सा विंटर वेयर है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द फर्स्ट वन दैट आई गॉट इज दिस वेरी ब्यूटिफुल ब्लाउज फ्रॉम इंडिया. सो वैसे तो इंडिया की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा एमआरपी इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है, बट सेल के दौरान आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रेट्स में ही चीजें मिल जाएगी. जैसे दे हैव सम रियली नाइस रेडीमेड साड़ीज, रेडीमेड ब्लाउजेस भी उनके काफी अच्छे होते हैं, क्रॉप टॉप्स भी अच्छे होते हैं. तो मैंने ये वाला लिया है. सो वैसे तो दिस वाज एडवर्टाइज्ड एज अ ब्लाउज, बट आप इसे एज अ क्रॉप टॉप या एज अ ब्लाउज दोनों में से कैसे भी यूज कर सकते हैं. इनके पास बहुत सारे क्रॉप टॉप्स एंड ब्लाउजेस की वेरायटी है, इनके पास काफी सारे रेडीमेड चीजों की भी वेरायटी है. सो ये मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिला. इसमें दो कलर्स भी अवेलेबल थे, आई थिंक एक ब्लैक था और एक नेवी ब्लू भी था, बट मुझे ये व्हाइट वाला अच्छा लगा. स्ट्रैप वाला ब्लाउज है ये कुछ इस टाइप से एंड इसमें बहुत ज्यादा सुंदर सा इनरवेयर भी दे रखा है जो कि काफी कंफर्टेबल है. एंड इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फॉल्स मिरर लगाया हुआ है. इसकी फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी है जो कि आप स्कर्ट्स के ऊपर पहन सकते हैं या फिर साड़ी के साथ भी इसे पहन सकते हैं. सो ये मैंने लिया है इन द साइज मीडियम. सो नेक्स्ट मैंने लिया है ये वाला स्कर्ट जो कि मैंने वो ब्लाउज या क्रॉप टॉप के साथ लिया है. तो इस टाइप के जो स्कर्ट्स है ना आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगे. ये वाला जो स्कर्ट है ये टोटली प्लेन है, सॉलिड सा स्कर्ट है एंड इसमें बहुत ज्यादा शाइनी मटेरियल आपको मिल जाएगा. सो आई चोज दिस कलर, बट इस स्कर्ट में आई थिंक 5 to 7 कलर्स अवेलेबल है. तो ये मैंने इस क्रॉप टॉप या ब्लाउज के साथ चूज किया है एंड इसके साथ साथ आप कोई भी लिटरली कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं अगर इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको पहनना या कोई और भी कॉम्बिनेशन में पहनना है. तो कोई दुपट्टा अगर आप लोगे, मिनिमल सी ज्वेलरी पहनोगे तो ये इंस्टेंट फेस्टिव वेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. सो ये जो स्कर्ट है ना इसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर दे रखा है, ये काफी ज्यादा फ्लेयरी सा स्कर्ट है, काफी ज्यादा सुंदर है. फॉर द प्राइस इट्स अ रियली नाइस स्कर्ट, बहुत अच्छे क्वालिटी का स्कर्ट है एंड इसमें आपको ये इनर भी मिल जाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा इनर. सो ये काफी अच्छे फैब्रिक का भी है एंड इसमें आपको बहुत सारे साइजेस मिल जाएंगे. सो इसमें मैंने लिया है साइज मीडियम. सो नेक्स्ट मैंने जुनिपर से एक टू पीस लिया है, इसमें आपको कलर भी मिल जाएगा बट मुझे ब्लैक कलर काफी ज्यादा सुंदर लगा. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पे आपको इस टाइप का ब्लाउज मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर का कॉटन का ब्लाउज है एंड इसमें आपको प्रिंट वाला वर्क मिल जाएगा. इसका जो कॉम्बिनेशन है दिस इज वेरी नाइस, इसे आप इजिली डे टाइम कोई इवेंट में फंक्शन में पहन सकते हैं. सो ये कुछ इस टाइप से आपको मिलेगा, शॉर्ट सा क्रॉप टॉप है एंड ये जो क्रॉप टॉप है इसे आप बॉटम वेयर, इस बॉटम वेयर के साथ तो पहन ही सकते हैं बट ये बहुत इजीली आप यू नो दूसरे पलाजो के साथ या फिर जीन्स के साथ या फिर यू नो जो ट्राउजर्स आते हैं खादी कॉटन के उसके साथ भी आप पहन सकते हैं. एंड यहाँ पे आपको मिनिमल सा ये डिजाइन थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट मिल जाएगा जो कि ये मिरर लगा हुआ है एंड देन यहाँ पे टैसल्स लगे हुए हैं. सो ये मैंने लिया है इन दिस साइज मीडियम. जुनिपर में मुझे मतलब अगर आप जुनिपर से चीजें लेते हो तो एक साइज बड़ा ही लेना क्योंकि इनका जो साइज चार्ट है ये स्टैंडर्ड नहीं है. उसके साथ साथ मुझे ये मिला, आई मुझे लगा था ये स्कर्ट है. मुझे लगा ये स्कर्ट है बट नहीं, ये ऐसे बहुत ज्यादा फ्लेयर था इसमें. मुझे एक्चुअली लगा ये स्कर्ट है बट नहीं, ये प्लाजो पैंट है. ये कुछ इस टाइप का आपको प्लाजो मिल जाएगा जिसमें बहुत ज्यादा फ्लेयर दे रखा है. ये ब्लैक है, ब्लैक में आपको बहुत ज्यादा सुंदर सा यहाँ पे सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दीज प्रिंट्स लुक रियली ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा एथनिक लगते हैं, काफी ज्यादा सुंदर है. प्लस ये जो पूरा सेट है ये कॉटन का सेट है तो बहुत ज्यादा ईजी है इसे पहनना एंड कितने भी
टाइम अगर आप इसे पहन के रखोगे, आफ्टर ऑल ये कॉटन है तो ये हमेशा कंफर्टेबल ही होगा. सो ये लिया है मैंने ब्लैक में, बट आप दूसरा कलर भी इसमें चूज कर सकते हैं. उसके बाद मैंने जेनेसिया से दो आउटफिट्स लिए हैं. जेनेसिया में आपको बहुत ज़्यादा सुंदर से रेडीमेड आउटफिट्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस में. सो जेनेसिया में हल्का सा नया कलेक्शन मुझे दिखा था, तो मैंने सोचा कि जेनेसिया से परचेज करते हैं. तो ये मैंने लिया है फर्स्ट, जो कि आई थिंक ये पॉलीक्रेप का मटेरियल है, एंड वो शायद पॉलीक्रेप या क्रेप के मटेरियल में ही डील करते हैं जहाँ तक मुझे पता है. सो यहाँ पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ग्रीन कलर मिल जाएगा, एंड इसके ऊपर पूरा का पूरा फॉइल प्रिंट का डिज़ाइन दे रखा है. ये बहुत ज़्यादा सुंदर सा कॉम्बिनेशन है, जो कि आप डे टाइम या नाइट टाइम दोनों के टाइम के लिए पहन सकते हैं, बिकॉज इसका कलर जो है ये काफ़ी ज़्यादा सटल है. ये इंडियन स्किन टोन पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो कुर्ता दे रखा है ना, पूरे के पूरे कुर्ते पर आपको ये लाइट फॉइल प्रिंट का वर्क मिल जाएगा. इसके साथ साथ पीछे भी अगर आप देखोगे तो छोटी छोटी इस टाइप की बुटियां मिल जाएगी, अगेन फॉइल प्रिंट में. सो ये मैंने लिया है स्मॉल साइज में, एंड इसके साथ साथ आपको इस टाइप का बॉटम वेयर मिल जाएगा, जो कि प्लाजो पैंट्स है. अगेन ये जो प्लाजो पैंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर्ड है, एंड ये वन सिंगल कलर का है, तो आप इसे बाकी भी आपके ये जो कोई भी कुर्ता है उसके साथ भी आप पेयर कर सकते हैं. सो ये मैंने लिया है. इसके साथ साथ आपको ये वाला दुपट्टा मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर कलर का दुपट्टा है, थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का दुपट्टा है. एंड ये जो दुपट्टा है ये आई थिंक पॉली कॉटन के मटेरियल का है, एंड देन यहाँ पे आपको ये गोल्डन कलर का बॉर्डर मिल जाएगा. सो इसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है, तो आप इसमें लिटरली कोई भी गोल्ड ज्वेलरी पहनोगे, हैवी या लाइट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. सो वो लिया है मैंने. उसके बाद अगेन मैंने जेनेसिया से एक सूट लिया है. सो दिस इज़ द सूट दैट आई गॉट, एंड ये आप देख सकते हैं मजेंटा कलर में है, जो कि मजेंटा भी आप डे टाइम या नाइट टाइम इजीली पहन सकते हैं. सो इसका जो नेक लाइन है ये कुछ इस टाइप का वी नेक लाइन है, एंड इसके साथ साथ जो फॉइल प्रिंट वर्क दे रखा है ये शैम्पेन गोल्ड का फॉइल प्रिंट वर्क दे रखा है, जो कि आपको नेक पे मिल जाएगा, एंड देन स्लीव्स पे भी आपको हल्का सा ये फॉइल प्रिंट वर्क मिल जाएगा. इसके जो स्लीव्स है ये काफी ज्यादा शॉर्ट है, पाइपिंग वर्क दे रखा है इसमें. सो इस टाइप का ये कुर्ता है, जो कि ऊपर से भरा हुआ है, नीचे से ये प्लेन कुर्ता है. इसके साथ साथ आपको ये बॉटम वेयर मिल जाता है कुछ इस टाइप से. सो बॉटम वेयर जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे फिटिंग का बॉटम वेयर है, सिगरेट पैंट्स है, एंड मजेंटा कलर के प्लेन सिगरेट पैंट्स है. सो दिस इज़ हाउ द बॉटम वेयर लुक्स लाइक. इसके साथ साथ ये वाला दुपट्टा है, जो मैं आपको ओपन नहीं करके दिखा. तो ये भी जो पहले वाला फैब्रिक था उस फैब्रिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ये जो दुपट्टा है ये सिल्क मटेरियल का दुपट्टा है. दोनों की क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, दोनों ही अच्छे क्वालिटी के, बट ये सिल्क का. सो ये सिंस ये सिल्क का दुपट्टा है ना, ये जो मटेरियल है ये धूप छांव वाला मटेरियल, बिकॉज कहीं कहीं जगहों से ये काइंड ऑफ मरून या पिंकिश लग रहा है, एंड बाकी जगहों से ये ग्रीन लग रहा है. आई डोंट नो वेदर द कैमरा इज कैचिंग, कैमरा पे नहीं दिख रहा है, बट ये कुछ कुछ जगहों से ये धूप छांव वाला मटेरियल है, ड्यूल कलर वाला मटेरियल है, जो कि सिल्क का है. तो ओवरऑल जो ये सेट है ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है बिकॉज ऑफ द मटेरियल, बिकॉज मटेरियल का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है. अगर आप ऑब्वियसली सिल्क पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा ग्रैंड लग. उसके बाद मैंने ज्वेलरी भी ली है. सो ज्वेलरी जो मैंने ली है, वैसे तो मैंने अपनी ज्वेलरी हॉल के लिए लिया था, अगर आपने वो मिस कर दिया तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. बहुत सारी डिफरेंट एंड ट्रेंडी ज्वेलरी दिखाए थे मैंने, जो कि डेंडी ज्वेलरीज थी. तो अगर आपको वो ज्वेलरीज पसंद, लाइक डेंडी ज्वेलरीज पसंद है, तो वो वीडियो जो है ना वो आपके लिए है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा. तो ये जो ज्वेलरी है ये आई थिंक मुझे आज ही मिला है या कल मिला था. तो ये जो ज्वेलरी है ये मैंने मंगवाया था, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट पीस है. अभी मैंने जस्ट इसे ओपन करके देखा, ये ना पूरे मोतियों वाला ज्वेलरी है, इसमें पूरे पे बीड्स लगे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी है. इट्स एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल. ये जो पीस है ये आप इंडियन के साथ एंड वेस्टर्न के साथ दोनों दोनों के साथ आप पहन सकते हैं. काफ़ी ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल. आई थिंक ये एक सिंगल कलर में ही आता है. इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. इसके साथ साथ ये वाले इयर रिंग्स है, जो कि आई थिंक पुराने ज़माने में इस टाइप के ना
ये फ्लावर वाले इयररिंग्स आते थे, बहुत आते थे इस टाइप के सेट के साथ, जो कि सेट जो ना मोतियों वाला होता था उसके साथ ये वाले इयररिंग्स आते थे। तो इस सेट के साथ आपको ये फ्लावर वाले इयररिंग्स मिल जाएंगे, जो कि ये सेट जो है ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। जनरली मैं सेट्स की इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं करती हूँ, बट बीड्स वाले जो सेट्स हैं ना, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बीड्स, एंड ये बहुत अच्छे क्वालिटी के बीड्स हैं। सो ये मैंने लिया है। उसके बाद ये भी एक पीस है जो कि मैंने ज्वेलरी हॉल के लिए मंगवाया था, एंड ये आज आया, तो इसे साथ में अनबॉक्स करते हैं, बिकॉज अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले ही आया। सो ये जो है ना, ये काइंड ऑफ टेम्पल ज्वेलरी है इस टाइप से। सो ये जो टेम्पल ज्वेलरी होते हैं ना, ये आपको अमेजोन से ईजीली मिल जाएंगे, बट ये वैसे तो ऐसे देखने में इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, बट पहनने के बाद ये बहुत अच्छे लगते हैं। इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जवेरी पर्ल से ही लिए थे, तो ये वैसे तो देखा जाए ना एकदम हाथ में अगर आप देखोगे तो इसकी क्वालिटी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, बट पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। स्पेशली इस टाइप के आउटफिट्स के साथ, जिस पे आप सिल्क का अगर कोई फैब्रिक हो उस पे पहनोगे तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। साड़ीज के साथ एंड सूट्स के साथ तो ये स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये आप ले सकते हैं, ये भी पहनने के बाद अच्छा लगता है। So, ये है। एंड लास्ट मैंने जो लिया है, मैंने ये बेल्ट लिया है, मेरे बेल्ट हॉल के लिए लिया था, ये अभी आया जाके। सो बेल्ट हॉल अगर आपने मिस कर दिया तो वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक दैट बेल्ट हॉल। मैंने वहाँ पे आई थिंक 14-15 बेल्ट्स दिखाए थे, ह्यूज हॉल था वो। बेल्ट इस टाइप के एक्सेसरी है, होते हैं जो कि आपके लुक को बहुत ज़्यादा इजीली एनहांस कर सकता है। सो ये जो बेल्ट है मैं अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो बेल्ट है ना, ये इस टाइप का बेल्ट है जो कि आप बहुत इजीली साड़ीज के साथ, गाउन के साथ, ड्रेस के साथ, मैक्सी ड्रेस के साथ, या फिर लहंगास के साथ बहुत इजीली पेयर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट वर्क दे रखा है, चेन का है ये, एंड इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का है, इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर है ये, एंड इसमें ना आपको डिज़ाइंस भी अलग अलग मिल जाएंगे। सो ये मैंने सोचा है कि मैं इसके साथ और घाघरा के साथ या फिर लहंगा के साथ इजीली पेयर कर सकती हूँ, बिकॉज द लहंगा इज़ एब्सोल्युटली प्लेन, तो थोड़ा सा लुक थोड़ा सा डिफरेंट होगा अगर मैं उसके साथ पेयर करूँगी तो। तो इसमें आपको थोड़े से डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न भी मिल जाएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड यू ऑल टू चेक दिस, क्योंकि अगर कोई प्लेन साड़ी है, जैसे शिफॉन की साड़ी है या जॉर्जेट की प्लेन साड़ी है या फिर सीक्वेंस्ड साड़ी है, उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। एंड अगर आपका कोई प्लेन ड्रेस हो, बॉडीकॉन ड्रेस या फिर नॉर्मल ड्रेस, उसके साथ भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो आई रियली लव दिस बेल्ट, बहुत ज़्यादा सुंदर बेल्ट है, एंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो दोज वर द थिंग्स दैट आई गॉट। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हॉल वीडियो कैसे लगा। फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम इफ यू हैवंट ऑलरेडी, यू कुड चेक आउट माई सेकंड चैनल, एंड यू कुड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल फॉर मोर सच अमेजिंग हॉल्स। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।